ये रात का 11 बजे के बाद एंजॉय कर रही है। ऊपर का नजारा कुछ ज्यादा ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए, दो लोगों के साथ यहाँ पे आराम से बैठ कर गपशप लड़ाया जा सकते हैं, और खाइए और खाना का एंजॉय करिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइस, अभी रात का 10:30 बज रहा है और हम लोग को ना मन नहीं लग रहा था, तो अचानक से आज निकल गए हैं बाहर घूमने के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग खंडक पे पहुंचे हैं और हम लोग कुछ खाने के लिए निकले हैं बाहर। देखते हैं 10:30 बजे क्या मिलता है हम लोगों को। बाकी बने रहे मेरे वीडियो में, मज़ा आने वाला है। वैसे रात में तो आधा चीज़ आपको बंद ही मिलेगा, सन्नाटा मार्केट। वो आपको वीडियो में पता चल रहा होगा कि मार्केट कितना ओपन है। ये पूरा रास्ता आपको कचड़ा ही कचड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि दोनों साइड नाला बन रहा है। नहीं जी, कचड़ा नहीं दिख रहा है, देखिए सफाई हो रहा है। सफाई तो हो ही रहा है। और यहाँ फिर से विदाउट ट्रैफिक हमारे खंडक पर। आहा, रात में ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और जो मजा है ना यहाँ पे बिना ट्रैफिक के चलने में, वो आई थिंक कहीं नहीं है पूरे बिहार शरीफ में। बात, हाँ गाइस, अगर आपको खंडक पे चौराहा और पुल पे चौराहा ऐसा रास्ता मिल गया, तो बाय गॉड आपको बहुत मजा आने वाला है। हर 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 महादेव। आज इनके कहने पे हम नाइट में राइडिंग पे निकले हैं। हाँ, सच में आज मेरे कहने पे निकले हैं, और वो भी इसलिए मैंने बोला क्योंकि इनका मूड अपसेट लग रहा था। नहीं, वैसे वैसे हमारा भी मन था, क्योंकि आज हमको अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बोला ना इनका मूड अपसेट लग रहा था, इसलिए मैंने बोला चलिए कहीं बाहर घूम के आया जाए। बाहर यही जा रहे घूमने, कुछ है नहीं, देख लो। कुछ भी नहीं है, बस हम लोग राइड पे निकले हैं बाहर। देख लो, कुछ भी नहीं है, सब बंद है। सब बंद है, सब बंद है। किधर से चले, किधर से चले? नाइट व्यू बिहार शरीफ का दिखा रहे हैं। हाँ, हम लोग पहुँच गए नई सराय चौराहा, और इधर से हम लोग जाएंगे अभी अंबेर चौराहा के पास, है ना? सही बोला। सिर्फ मेडिकल शॉप खुला हुआ दिख रहा है हमको, और थोड़ा हॉस्पिटल तो आपको 24 आवर खुला ही रहेगा, बाकी सारा शॉप स्ट्रीट फूड सब क्लोज हो गया। हाँ, और मेरे हीरो को कुछ खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्या खाएंगे। आपका सर खाएंगे वो, सो यार कुछ मिल जाए इनके लिए, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। जनरल स्टोर खुला हुआ है। बेर मोड़ के पास बहुत टाइम बाद आज रात में घूम रहे हैं। और भैंसा सूर चौराहा के पास भी इडली है। इडली है, बट इडली इनको खाना होगा नहीं यार, डैम श्योर। अब यहाँ से हम लोग पहुँच जाएंगे हॉस्पिटल मोर चौराहा हरदेव चौक। तो ये देखो यार, सफाई अभियान चल रहा है, रात को सफाई हो रहा है पूरा कचरा जितना भी है। और ये हम लोग पहुँच गए हरदेव चौक, यहाँ भी सिर्फ, और यहाँ भी देखो कुछ भी नहीं है, खुला हुआ। हम लोग पहुँच गए रांची टोल, देखते जय माता दी। क्या इसका नाम? सिटी कार्ड है, छोटा मॉल टाइप का है क्या? हाँ मॉल है, मॉल टाइप का नहीं है, मॉल मॉल ही है, मॉल है। इसमें क्या मिलता होगा? अच्छा रेस्टोरेंट है, ये है श्री लेदर, और उसके बगल में मुन्ना लाल महेश लाल। ये पेट्रोल टंकी अभी बंद है। हाँ, ये बंद क्यों है? 24 आवर सेवा उपलब्ध नहीं है,
ये V2 मॉल चला जाएगा। इधर V2 मॉल चलना है क्या? V2 मॉल अभी खुला रहेगा हीरो। बंद हो गया होगा आपको तो, लगता है? हाँ। बंद हो गया होगा। तो ये देखो यार, ओवर ब्रिज प्रोसेस में है, मतलब बन रहा है। तो इससे इसको देख के क्या पता चलता है कि हमारा बिहार काफी बदल रहा है, काफी डेवलप हो रहा है। हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल। तो अभी हम लोग आ गए भड़ाव पे। हाँ, बिहार शरीफ में मेरे से पूछिए कहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, हम बता देंगे। बट यहाँ से बाहर मेरे से पूछिएगा तो कुछ भी नहीं पता है। अरे यार, यहाँ पे एक बहुत टेस्टी वाला मोमोज वाला रहता था, बट है ही नहीं। तो ये तो आप लेके जा रहे हैं मछली मार्केट? हाँ जी। इधर आपका दोस्त मिल जाएगा जी? अरे हाय 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 हाय। वैसे अभी डस्ट कितना ज्यादा उड़ रहा है? बहुत ज्यादा, एकदम पूरा एक फेस फेस पे फेस पाउडर लगाने का जरूरत नहीं है। मछली मार्केट। हाँ, नाइट का व्यू। हाँ, नाइट व्यू मछली मार्केट। तो ये है स्मार्ट बाजार, जो कि पहले बिग बाजार था। अभी बंद है? हाँ, अभी नहीं, खुला हुआ है वो राजरसोई, खुला हुआ है क्योंकि वो रेस्टोरेंट है। ऐसे ही करते करते हम लोग रात में पहुंच गए रामचंद्रपुर। ये थोड़ी देर में हमारा बस स्टैंड है। और ये है ट्रेंड मॉल और होटल राज पैलेस। हाँ, और ऊपर होटल राज पैलेस है। तो हम लोग बस स्टैंड पहुंच गए। तो हाँ, हम लोग बस स्टैंड पहुंच गए घूमते घूमते। यहाँ से अभी हम लोग रिटर्न लेते हैं क्योंकि रास्ते में हमको एक जगह दिख गया कुछ खाने को। आई विश कि यहाँ अच्छा टेस्ट हो। नहीं मिलेगा तो आप नेक्स्ट कहीं और ट्राई करवाने लेके चलिएगा। यस, अभी तो पूरा शहर आपके लिए ढिंढोर देंगे। क्या बोला आप? आपके लिए अभी पूरा शहर ढिंढोर देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ शायद रुकने वाले हैं। देखें गाइस, यहाँ पे बैड लक हो गया कि मोमोज का दुकान खुला हुआ था पर खत्म हो गया। मुझे देख के लग रहा था कि काफी अच्छा मोमोज होगा यहाँ पे, बट क्योंकि रेडी काफी अच्छा था, डिजाइन किया हुआ, लाइटिंग का काफी अच्छा था, लाइट का काफी अच्छा ज्यादा व्यवस्था किया गया था। कोशिश करूंगा। क्या कोशिश करिएगा? और देखो, सच में देखते हैं नेक्स्ट कहाँ लेके जाते हैं। यहाँ तो मिल नहीं पाया। चले इधर से। हाँ। तो गाइस, इधर से हम लोग अभी निकलने वाले आई थिंक लहेरी थाना के पास। हाँ, ये देखो मंदिर का लाइटिंग कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। भोलेनाथ का मंदिर। तो यार ये देखो, इतने सारे डॉग्स हमारे। वे 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 वे। पैर धर लेता है, वो रील्स में देखे थे। हाँ, आप रील्स में देखे थे, एक बार मेरा पीछा भी किया था। ये हम लोग पहुंच गए लहेरी थाना दुर्गा स्थान के पास और शिव मंदिर भी। और ये वंस अगेन दिख गया हमें रास्ते में बदलता हुआ बिहार शरीफ। कृपया धीरे चले। हम धीरे ही चलते। वहाँ लिखा हुआ था हीरो। हाँ। यहाँ पे मिलता है। हाँ, कोलकाता के लिए बस। आपको बहुत पता है। पर बंद है ना अभी, एक को बस नहीं दिख रहा है, सब खुल गया। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है रात में। यहाँ देखो, तो ना ना करते करते हम लोग पहुँच गए चोरा बगीचा। अभी नहीं पहुँचे, बस थोड़ी सी दूर। कॉलेज आएगा आप? मेरा कॉलेज आएगा? आपका नहीं कॉलेज, सोगरा कॉलेज। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं सोगरा कॉलेज के पास। बस यहाँ से टर्निंग है आगे से। ये देखो, ये रहा सोगरा कॉलेज जाने का रास्ता। ये देखो, पूरे रास्ते सुनसान है। कोई दिख रहा है आपको सड़क पे? कोई नहीं, कोई भी नहीं, सिवाय आपको। आपने बोले थे कि हमको नाइट में राइड करना है। हाँ, तो आपके लिए लेकर आए हम आपको। और क्या, I'm so lucky to have you. इतना ज़्यादा किस्मत है ये। शायद एक लाइट यहाँ पे जल रहा है, शायद यहाँ
ये मोमोज कैफे ही है, यहाँ मिल जाएगा तो अलग बात है। ऐसे रात भी हो रहा है ज्यादा, देखते हैं कुछ। हमें फिलहाल से मोमो मैजिक कैफे देखते हैं फिलहाल। सो गाइस, काफ़ी मेहनत करने के बाद हमें एक कैफ़े खुला मिला, बट यहाँ वो भी हम लोग बैठ के भी खा नहीं सकते क्योंकि बंद होने वाला है, आई मीन हो चुका है। तो हम लोग पार्सल लेके घर जाएंगे मोमो मैजिक कैफ़े, जो कि मैंने लास्ट पटना में देखा था, यहाँ आई थिंक पहला है। देखिए आप मेन्यू देखिए, ये तंदूरी हो जाएगा। हमें आने का मतलब मन था पर यहाँ पे आने का मन नहीं था, पर इनके वजह से आए हैं। फूड लवर। और पता है पूरा बिहार शरीफ हम लोग घूम लिए हैं रात में, साढ़े दस बजे घर से निकले थे और अभी 11 बजे पूरा नहीं हीरो लगभग लेके लगभग बिहार शरीफ घूम लिए, सब जगह क्लोज था। कैसे कैसे करके हमको पता था कि एक चोरा बगैचा में है मैजिक मोमो कैफ है, वहाँ पर आए और अभी हम लोग अंदर में हैं। वैसे अब यहाँ पे स्टाफ लोग छुट्टी पे है, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट करने के बाद बोले कि हम आपका पार्सल कर देंगे, आप घर जाके खा लीजिएगा क्योंकि हम लोग को भी सोने का टाइम हो रहा है। हमने बोला इनके जिद के लिए कम से कम आप पार्सल कर दो। और ये देखिए कुछ और जुगाड़ा लगा रहे हैं। वैसे अब इनका पहला ऑर्डर इन्होंने प्लेस किया है, दूसरा ऑर्डर हम देखते हैं, अगर कुछ पसंद आए तो करेंगे, अदरवाइज। हमने ऑर्डर कर दिया है क्लासिक चिकन मोमोज, नहीं हमने पनीर मोमो ऑर्डर किया है स्टीम में। हाँ, अभी हमारा बाइक बाहर लगा हुआ है और यहाँ पे टेबल काफ़ी अच्छा है और अंदर का डिज़ाइन, डेकोरेशन, लाइट्स वो भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अभी हम लोग नीचे थे बट ऊपर स्टेयर्स से ऊपर जाने का भी है, ऊपर का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। लाइक यहाँ पे झूला भी अवेलेबल है, बैठ के झूलते हुए खाना एंजॉय कर सकते हैं लाइक दिस। अभी हम लोग बाहर निकल रहे थे तो भैया ने बोला कि आप ऊपर जाके देख लो, ऊपर काफ़ी और ज़्यादा इससे भी अच्छा है। सच में यार ऊपर आने के बाद यहाँ पे पता चला, देखिए एंजॉय कर रही है ये। हाँ, और खाना यहाँ पे बैठ खाते हुए तो एंजॉय करना और भी ज़्यादा मज़ा आता होगा। ये रात का 11 बजे के बाद एंजॉय कर रही है और यहाँ पे लाइट कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा। हाँ, यहाँ पे ना किसी का अभी हैप्पी बर्थडे मनाया गया था, बर्थडे, उसके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है और इधर यहाँ पे झूला लगा हुआ है। खाते के साथ आप झूला का भी एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे अपना लोगो लगा हुआ है मोमो मैजिक कैफे। हाँ, अभी रात का समय है ना तो आप लोगों को उतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा, बाहर गाड़ी लगा हुआ है जो दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए दो लोगों के साथ यहाँ पे आराम से बैठ कर गपशप लड़ाया जा सकते हैं और खाइए और खाना का एंजॉय करिए। और ये लाइट कितना अच्छा है, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। और फिर भी अगर मन ना भरे तो चाहो तो झूले पे भी बैठ सकते हो, अदरवाइज झूले से डर लगता है खाते खाते, तो आप यहाँ पे बैठ के खा सकते हो। तो हम झूला पे बैठ गए, अब ये आ गए एंजॉय करने झूले पे। आ जाइए कम हमें भी तो पूरा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो वैसे ये पूरा दिख रहा होगा आपको, ब्लैक कलर सिक्कड़ का। हाँ, सच में लोहा है बिल्कुल, पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। और ये पूरा एकदम बोल रहा है, एकदम रिलैक्स फील हो रहा है, एकदम रिलैक्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पिलो दिया गया है, ऐसे यहाँ रखने के लिए नहीं, यहाँ पे रखने के लिए दिया गया है, आप दो लोग हैं ना उसके लिए, ताकि आप कंफर्ट फील करो। काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ देखो मोमो मैजिक कैफे का एक फॉन्ट भी बनाया गया है, फॉन्ट मतलब अलग फॉन्ट से लिखा गया है। वैसे हम लोग यहाँ पे खा लेते पर टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि हम लोग को घर निकलना चाहिए। बिल्कुल, टाइम बम्बे है नहीं कि पूरा रात यहाँ पे लोग चलते हैं, बिल्कुल रात का समय है, इसलिए हम लोग को घर निकलना चाहिए सेफ्टी के लिए। तो गाइस बस काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं अपने घर के लिए।
और फटाफट से पहले अपना मेरा पार्सल देखो उधर रखा हुआ है, तो हम ले लेते हैं ना। हाँ उसको पहले ले लेते हैं और फिर घर पे जाके उसको एंजॉय करते हैं क्या। ठीक तो यार ये देखो हमें हमारा पार्सल रिसीव हो गया है, चला जाए। शुक्रिया। तो बाय बाय टू मोमो मैजिक कैफे। अब हम लोग जा रहे हैं घर, घर जाके अपना फूड इंजॉय करेंगे और देखते हैं कि कैसा है। ठंडा भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा लगेगा नहीं क्योंकि रात के 11:15 हो रहे हैं। और गाइस ये था हमारा छोटा सा नाइट आउट व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।